प्रणाम एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सीबीएसई इंग्लिश क्लास सेवेंथ इंग्लिश बुक हनीकॉम यूनिट वन पोयम वन द स्क्विरल एक्सरसाइज सॉल्यूशन। एट फर्स्ट वी विल डिस्कस इंट्रोडक्शन। इन दिस पोयम द पोएट डिस्क्राइब्स अ लिटिल स्क्विरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड एंड ईटिंग अ नट इन अ वेरी ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्टिव नैरेशन। इस पोयम में एक छोटी सी गिलहरी जो ग्राउंड में बैठकर फल खाती है उसको बहुत ही सुंदर तरीके से उसका वर्णन किया गया है। द पोएट आर्मस्ट्रांग इज़ वेरी स्ट्रांग इन फीलिंग्स टॉवर्ड्स द मिनी क्रिएचर्स ऑफ गॉड। यानी जो पोएट है आर्मस्ट्रांग उनका नेम है, उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस छोटे से प्राणी के ईश्वर के द्वारा बनाया गया इस छोटे से प्राणी के बारे में बहुत अच्छी फीलिंग एक्सप्रेस करी है। लेट्स स्टार्ट द वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट वर्ड डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मीन्स नरेशन। नरेशन मीन्स वर्णन। सेकंड वर्ड वॉर। वॉर मीन्स पुट। पुट मीन्स रखा। थर्ड वर्ड ग्रे। ग्रे मीन्स व्हाइटिश। व्हाइटिश मीन्स स्लेटी। नेक्स्ट वर्ड टीस। टीस मीन्स इरिटेट मीन्स परेशान करना। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्किंग विद द पोयम। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट डज द पोएट से? द स्क्विरल वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। Draw a squirrel or find a picture of a squirrel sitting on the ground. How would you describe its tail? Means इस poem में ये जो poet है क्यों कहता है कि squirrel जो है वो question mark अपनी पूंछ पर एक question mark पहना हुआ है। Means कवि ये क्यों कह रहा है कि गिलहरी ने अपनी पूंछ पे question mark पहना हुआ है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न चिन्ह पहन रखा है। Draw a squirrel or find a picture of a squirrel sitting on the ground. आपको स्क्विरल का एक पिक्चर ड्रॉ करना है या फिर एक पिक्चर ढूंढना है जिसमें गिलहरी ग्राउंड में बैठी हुई हो। How would you describe its tail? आप उसकी पूंछ को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? Answer: The tail of the squirrel was in the shape of a question mark. Means गिलहरी की जो पूंछ है वह क्वेश्चन मार्क के शेप में होती है। That's why the poet describes him as wore a question mark for tail. इसीलिए पोएट डिस्क्राइब करता है कि उसने क्वेश्चन मार्क अपने पूंछ पे पहन रखा है। ओके, इसके बाद में ये जो स्क्विरल का पिक्चर है आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इसे ड्रॉ भी कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, डू वी यूजुअली से दैट एन एनिमल वियर्स अ टेल? क्या हम कभी ये कहते हैं कि किसी एनिमल ने एक टेल पहन रखी है? व्हाट डू वी से? हम क्या कह सकते हैं? थिंक मीन्स सोचिए। डज एन एनिमल वियर अ कोट? क्या कोई एनिमल कोट पहन सकता है? कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ यू लाइक एंड फाइंड आउट हाउ वियर इज यूज्ड इन डिफरेंट वेज। मीन्स आप एक डिक्शनरी में कंसल्ट करिए आपको क्या अच्छा लगता है और पता लगाइए कि वियर का यूज़ किन किन चीज़ों के लिए किया जाता है। मीन्स डिफरेंट वेज में किन डिफरेंट वेज में वियर का यूज़ किया जाता है। आंसर, द एनिमल वियर अ टेल इज़ अ पोएटिक एक्सप्रेशन। यानी यह एक पोएटिक एक्सप्रेशन है कि किसी एनिमल ने एक टेल पहन रखी है। इन डिक्शनरी वियर इज यूज्ड टू हैव और टू कवर। और डिक्शनरी में वियर का यूज दिया गया है टू हैव मीन्स रखना या फिर ढकना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, ही लाइक्ड टू टीस एंड प्ले। उसे चिढ़ाना और खेलना अच्छा लगता है। हु इज टीसिंग होम? कौन किसे चिढ़ा रहा है? हाउ कैसे चिढ़ा रहा है? आंसर, द स्क्विरल इज टीसिंग द चिल्ड्रन। जो गिलहरी है वह बच्चों को चिढ़ा रही है। द चिल्ड्रन आर रनिंग अराउंड द ट्री टू कैच इट। और वो कैसे चिढ़ा रही है? जब बच्चे गिलहरी के चारों ओर ट्री के पास उसे पकड़ने के लिए जाते हैं तो बच्चों को चिढ़ा रही है। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड द एक्सरसाइज ऑफ दिस पोयम। आई थिंक यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर and comment this video. Thank you for watching this video.